आज मैं एक ऐसे क्रिकेटर की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो युवा हैं अभी, मतलब खेलते हैं, सीखते हैं क्रिकेट। ऐसे बहुत सारे भी युवा रहते हैं जो कहीं ना कहीं, मतलब सिलेक्शन नहीं होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है फॉर्म अच्छा नहीं है तो बाहर चले जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ही एक स्टोरी ऐसा ऐसे क्रिकेटर का जिसको सुनने के बाद आई थिंक आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। नाम है नरेंद्र दीपचंद हिरवानी, लेग स्पिन बॉलर हैं। इनका जन्म गोरखपुर यूपी में हुआ है 18 अक्टूबर 1968 में। इनका बचपन का नाम मिहिर हिरवानी था। बात साल 1987-88 का है। वेस्ट इंडीज टीम भारत दौरा पर थी, दिल्ली में था पहला मैच। 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला था। पहला मैच वेस्ट इंडीज 8 विकेट से जीता। उसके बाद दूसरा टेस्ट मुंबई के वानखेड़े और तीसरा कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला गया और ये दोनों मैच ड्रा रहा। उस टाइम के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स भी खेल रहे थे वेस्ट इंडीज टीम में। विवियन रिचर्ड्स, आप लोग नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि कितना अच्छा टीम था उस टाइम। विवियन रिचर्ड्स के रहने पर ही पॉजिटिव फीलिंग होती होगी वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को। लास्ट चौथे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम में एक नए प्लेयर का चयन हुआ जिनका नाम था नरेंद्र हिरवानी। रणजी में मध्य प्रदेश की तरफ से अच्छा खेलते थे। उस मैच से पहले हिरवानी की बहुत आलोचना हो रही थी। चौथे टेस्ट मैच में अरुण लाल 69 और कपिल सर के 109 रनों के सहारे भारत ने सम्मानजनक 382 रन बनाए। फिर जब वेस्ट इंडीज खेलने आया, हिरवानी के घातक गेंदबाजी की वजह से वेस्ट इंडीज की पारी 184 रनों पर ही ढेर हो गई। पहली इनिंग में हिरवानी ने 8 विकेट लेकर सभी को चौंका दिया था। उसके बाद 158 रनों की लीड के साथ भारत दूसरी पारी में 217 रन 8 विकेट पर पारी को घोषित कर दिया। अब वेस्ट इंडीज को जीत के लिए टोटल 415 रनों का टारगेट था। फिर क्या था, फिर से हिरवानी की करिश्माई बॉलिंग से भारत वो मैच जीत गया। इस पारी में भी हिरवानी ने 8 विकेट लिए, मतलब एक ही मैच में टोटल उन्होंने 16 विकेट लिए। हिरवानी के करिश्माई बॉलिंग से सब हैरान हो गए थे। उनकी जिसने आलोचना की थी बाद में वही लोग तारीफ कर रहे थे। हाँ, उस मैच से कुछ लोग ऐसे भी थे जो, मतलब नरेंद्र हिरवानी को बोल रहे थे ये और सिर्फ एक मैच खेलेगा, इसके बाद इसका नाम नहीं रहेगा, बट वही लोग उस मैच के बाद नरेंद्र हिरवानी की तारीफ कर रहे थे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स होते हैं कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने की वजह से टूट जाते हैं। आप लोगों ने मैच देखा होगा, 1983 भी जल्दी में मूवी आई थी जिसमें आई थिंक कुछ एक ऐसा लाइन है, जस्ट वन गुड ओवर कैन चेंज योर लाइफ, 1983 मूवीज की कोई ऐसी लाइन है। तो कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पर अपना बेस्ट देने के बाद आपका लाइफ चेंज हो सकता है। नेवर गिव अप।